अच्छा दोस्तों, ये जो नेम जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, अगर आप भी इस तरीके से स्टाइलिश नेम क्रिएट करके चेंज करना चाहते हैं तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया। आज की इस वीडियो में मैं आपको यही चीज सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप स्टाइलिश नेम क्रिएट करके चेंज कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोग को बताऊंगा, तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक वॉच कर लेना है। एक्चुअली मैं आपको दो तरीके बताऊंगा। पहला जो तरीका है, उसे के लिए किसी भी एप्लीकेशन या किसी भी ऐप की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आप सिर्फ गेम में जाकर किसी प्लेयर का नाम कॉपी करके उसके नाम में जो सैंपल्स लगे होते हैं वो आप अपने नाम में भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आप कोड चेंज नहीं कर सकते, सिर्फ सैंपल ही ऐड कर सकते हैं। और जो दूसरा तरीका है, उसके लिए एक एप्लीकेशन या एक ऐप की जरूरत पड़ेगी, लेकिन यहाँ पर आप कोड भी चेंज कर सकते हैं और फैंसी सैंपल जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये सारे सैंपल आप ऐड कर सकते हैं। तो चलते ही वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करते पहले, मेरा नाम है ताहिदुल्लाह और आप देख रहे हैं जायद खान स्किल्स यूट्यूब चैनल। सो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को भी फटाफट से लाइक कर दो और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दो। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो दोस्तों, यहाँ पर हम अपनी मोबाइल के स्क्रीन पर आ चुके हैं। तो सबसे पहले आप वीडियो पर स्क्रीन करें ताकि मैं आपको जो भी चीज़ बताता हूँ आपको क्लियरली समझ में आ जाए। अब यहाँ पर दोस्तों राइट साइड पे नीचे नीचे ये वाले जो सैंपल आपको दिखाई दे रहे उस पर आपने क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर जो रैंक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे उस पर आपने क्लिक करना है। जैसे मैंने रैंक पर क्लिक किया, रैंक पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने बहुत सारे नेम्स आ जाएंगे। तो यहाँ पर आपने देखना है आपको जो भी सैंपल जिस नेम में पसंद आ जाए तो वो नेम आपने यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी किस तरीके से करना है यहाँ पर मैं थोड़ा सा जल्दी में बताता हूँ ताकि आप लोगों का ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। आप लोगों ने आराम से बैठना है और अच्छे से अच्छे सैंपल्स यहाँ पर आप लोगों ने ढूंढ लेना है। मैं एक एग्जांपल के तौर पर आप लोगों को बताता हूँ। फॉर एग्जांपल, मुझे ये वाला नेम पसंद है तो उसको मैंने किस तरीके से कॉपी करना है। यहाँ पर नेम के सामने जो प्रोफाइल आपको दिखाई दे रहा है उस पर आपने क्लिक करना है। प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर ये थ्री लाइन जो आपको दिखाई दे रहा है उस पर आपने क्लिक करना है। थ्री लाइन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नेम के सामने जो कॉपी का सैंपल आपको दिखाई दे रहा है उस पर आपने क्लिक करना है, जिससे ये नाम कॉपी हो जाएगा। नेम को कॉपी करने के बाद यहाँ से आपने बैक जाना है। जैसे यहाँ पर मैं बैक आता हूँ और यहाँ पर आप लोगों के सामने एक और नाम यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पर आप लोगों ने दो तीन नाम कॉपी करने हैं जिसमे अच्छे अच्छे सैंपल्स यूज की गई हो, तो वो सैंपल्स आपने फिर अपने नाम में यूज करने। तो यहाँ पर मैंने दो नेम कॉपी कर दिए। अब यहाँ पर मैं आता हूँ इन्वेंट्री में, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये है मेरे पास इन्वेंट्री, ठीक है। ये इन्वेंट्री है, तो इन्वेंट्री पर आप लोगों ने क्लिक करना है। इन्वेंट्री पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो बॉक्स आपको दिखाई दे रहे हैं उस पर आपने क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने आईडी कार्ड सेलेक्ट करना है या रीनेम कार्ड सेलेक्ट करना है। और यहाँ पर आपके सामने जो यूज आ गया उस पर आपने क्लिक करना है। यूज पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने जो नेम कॉपी किए हैं वो यहाँ पर आपने पेस्ट कर देना है, ठीक है। और यहाँ से आपने क्लिप बोर्ड ओपन करना है और यहाँ पर ये दूसरा वाला जो नेम है वो भी आपने यहाँ पर पेस्ट कर देना है। अब यहाँ पर जो नेम है ये आपने कट कर देना है और जो सैंपल्स है वो सिर्फ छोड़ देना है, ठीक है। फिर दरमियान में आपने फिर अपना नेम देना है। जैसे यहाँ पर मैं नेम को कट कर देता हूँ और यहाँ पर दरमियान में अपना नेम दे देता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मैंने वो नेम कट कर दिया और दरमियान में यहाँ पर अपना नेम दे दिया, ठीक है। मैंने अच्छा नेम क्रिएट नहीं किया, मैंने थोड़ा जल्दी में किया ताकि आप लोग का ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो जाए। आप लोगों ने आराम से बैठना है और अच्छा नेम यहाँ पर आप लोगों ने क्रिएट करना है। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मैंने नेम क्रिएट किया है। तो नेम को क्रिएट करने के बाद आपने अपने नेम को कॉपी करना है। जैसे यहाँ पर मैंने अपने नेम को कॉपी कर दिया। नेम को कॉपी करने के बाद यहाँ से आपने बैक जाने, जैसे यहाँ पर मैं बैक आ गया। अब यहाँ पर दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि किस तरीके से आप अपने नाम को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये इन्वेंट्री के ऑप्शन आप देख सकते हैं, इन्वेंट्री के ऑप्शन पर आपने क्लिक करना है। इन्वेंट्री के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है उस पर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर आपने आईडी कार्ड या रीनेम कार्ड सेलेक्ट कर देना है और यहाँ पर आपके सामने जो यूज आ गया उस पर आपने क्लिक करना है। यूज पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने जो नेम कॉपी किया है वो यहाँ पर आपने पेस्ट कर देना है, ठीक है। नेम को पेस्ट करने के बाद यहाँ पर आपने उसको ओके कर देना है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर मैं नेम पेस्ट करता हूँ और यहाँ पर मैं इसको ओके कर लेता हूँ, ठीक है। ओके करने के बाद यहाँ पर आपने अगेन एक बार ओके करना है तो आपका नेम चेंज हो जाएगा। लेकिन दोस्तों मैं तो चेंज नहीं करता हूँ, बस सिर्फ आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों बस इसी तरीके से आप अपने नेम को चेंज कर सकते हैं। अब ये हो गया हमारा पहला तरीका, अब चलते हैं दूसरे तरीके की तरफ। अब यहाँ पर जो दूसरा तरीका है उसके लिए आपने एक एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करनी है जिसका नाम है नेम क्रिएटर्स फॉर पबजी। इसी तरीके से आप लोगों ने एग्जैक्ट सर्च कर देना है। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं नेम क्रिएटर्स फॉर पबजी। लेकिन यहाँ पर आप लोग का एक क्वेश्चन होगा कि ये तो BGMI के लिए वर्क नहीं करेगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। ये मैं आप लोग को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि उसमें अच्छे अच्छे स्पॉन्स आपको देखने को मिलेंगे और अच्छे अच्छे सैम्पल्स आपको देखने को मिलेंगे, और BGMI के जो अपने ऐप्स हैं उसमें अच्छे अच्छे स्पॉन्स और अच्छे अच्छे सैम्पल्स आपको नहीं मिलेगी। तो इसलिए मैंने आप लोगों को ये एप्लीकेशन बता
बता दिया, तो उसको आपने इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद उसको आपने ओपन करना है। जैसे यहाँ पर मैं उसको ओपन कर लेता हूँ, ओपन करने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा लोडिंग लेगा तो फिर आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यूर नेम हियर, ठीक है। तो यहाँ पर आपने इसको कट कर देना, ठीक है। उसको कट करने के बाद यहाँ पर आपने अपना नेम यहाँ पर सर्च कर देना। जैसे यहाँ पर मैं जो भी नाम लिखता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पर मैं आप लोगों को जल्दी में बता देता हूँ, ठीक है। आप लोगों ने आराम से बैठना है और आराम से अच्छा नेम यहाँ पर आप लोगों ने क्रिएट करना है। और यहाँ पर आप लोग ये देख सकते हैं, यहाँ पर मैं इसको स्किप कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये है सैम्पल, तो आप जो भी सैम्पल ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग को बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मान लीजिए कि ये नेम मैंने यहाँ पर क्रिएट कर दिया। नेम को क्रिएट करने के बाद यहाँ पर आप लोगों ने इसी तरीके से नीचे आना है और ये सारे नेम आपने चेक करने है। तो आपको जो भी नाम पसंद है तो उसको आपने कॉपी करने, कॉपी कैसे करना है यहाँ पर आप देख सकते हैं। नेम के सामने जो कॉपी का सैंपल आपको दिखाई दे रहा है उस पर आपने क्लिक करना है। कॉपी के सैंपल पर क्लिक करने के बाद आपका जो नेम है वो कॉपी हो जाएगा। तो नेम को कॉपी करने के बाद फिर मैंने आपको तरीका कार बता दिया कि किस तरीके से आप अपने नेम को चेंज कर सकते हैं। तो बस इसी तरीके से आप अपने नेम को क्रिएट कर सकते हैं। मजीद आपको कोई और क्वेश्चन है तो वो भी आप पूछ सकते हैं, व्हाट्सअप पर भी रब्ता कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी रब्ता कर सकते हैं, कमेंट में भी बता सकते हैं। तो दोस्तों तब तक के लिए ओके, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।